हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक नोटिस पब्लिश किया गया है, जिसको मैंने अभी देखा है। बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी ने प्रमोट किया है? और यहाँ पर जो आपको यूनिवर्सिटीज़ दिख रही हैं, आगरा यूनिवर्सिटी, CCSU यूनिवर्सिटी, DDU यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज़ के बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके एग्जामिनेशन होंगे या फिर प्रमोशन आपको मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे या फिर हमको प्रमोशन दे दिया जाएगा। और प्रमोशन दिया जाएगा तो कब तक फाइनल अपडेट आने वाली है, किस बेस पर प्रमोशन दिया जाएगा, एग्जामिनेशन होने वाली है तो कब से एग्जामिनेशन होने वाली है, करंट बैच की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार देख रहे हैं या फिर आप लोग देखते हैं कंटिन्यू और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर तरह की अपडेट यहाँ पर मैं प्रोवाइड सबसे पहले करवाने की कोशिश करता हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर आप लोग को एक नोटिस दिख रहा है, ऑफिशियल नोटिस है ये। इस नोटिस को पब्लिश किया है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की तरफ से, इसको पब्लिश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले आप लोग यहां पर पहला पॉइंट देख पा रहे होंगे, बीएड प्रथम वर्ष के बारे में दिया गया है, जिसमें पूर्व की भांति सभी महाविद्यालयों में छः प्रश्न पत्रों के 20 अंक के अंक प्राप्त किए जाएंगे तथा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 20 अंक में के अंक प्राप्त किए जाएंगे तथा वाह्य परीक्षा न कराकर पिछले वर्ष की भांति प्रोन्नत यानी कि प्रमोट किया जाएगा। और दूसरा आप लोग पार्ट सेकंड यहाँ पर देख रहे होंगे, जिसमें बीएड द्वितीय पार्ट के बारे में बताया गया है। बीएड फाइनल वर्ष के अनिवार्य प्रश्न पत्रों में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड यहाँ पर एक और पेपर दिया गया है, 7th पेपर है ये, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन को समाहित कर प्रथम एकल प्रश्न पत्र की परीक्षा कराई जाएगी। द्वितीय वर्ष की यहाँ पर परीक्षा करवाई जा रही है। ऑफिशियल नोटिस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रथम वर्ष की यहाँ पर परीक्षा नहीं करवाई जाएगी, उनको प्रमोट किया जाएगा। पूरा नोटिस आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। बीएड, बीएलएड, एमएड और बीएड की परीक्षा संपन्न कराने के क्रम में दिनांक 3/8/2021 को ऑनलाइन एक बैठक को आयोजन किया गया था। उक्त बैठक की अनुशंसा परीक्षा समिति की बैठक 27-28 अगस्त 2021 में प्रस्तुत की गई थी। परीक्षा समिति के फैसले में ये बताया गया है कि यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोशन दिया जाएगा पहले की तरह। अब बात कर लेते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में। आगरा यूनिवर्सिटी में आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर क्या किया गया था, कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोशन दे दिया गया था। ऐसे ही CCSU की तरफ से भी अपडेट आ चुका है पहले से ही, और फर्स्ट ईयर को यहाँ पर भी पिछले साल प्रमोट किया गया था। DDU में भी किया गया था। बुंदेलखंड की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ ही चुकी है। काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी तरफ से पहले आर्टिकल्स आए थे, न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर प्रमोशन को लेकर कुछ कुछ खबरें आ रही हैं, और पिछले वर्ष की भांति यहां पर प्रमोशन दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं जहां पर पिछले वर्ष आपको प्रमोट किया गया था, आपके पहले वाले बैच को प्रमोट किया गया था फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, तो वहां पर इस बार भी प्रमोट किया जा सकता है। 90% ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आपको प्रमोट कर दिया जाए। जिन यूनिवर्सिटीज में पिछले साल भी पेपर करवाए गए थे, तो उनकी आप लोग उनका अपना पढ़ाई करते रहे। उन यूनिवर्सिटीज में आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई करते रहे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आपके पेपर भी करवाए जा सकते हैं और प्रमोशन भी आपको दिया जा सकता है। ये चीज़ कंफर्म है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में पिछली साल प्रमोट किया गया था, तो उनमें इस बार भी प्रमोशन मिल सकता है। 90% ऐसे चांसेस बन रहे हैं। काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए थे, आगरा यूनिवर्सिटी ने भी एक बार कहा था, और CCSU की तरफ से भी अपडेट्स आए थे, DDU की तरफ से भी अपडेट्स आए थे। बुंदेलखंड ने यहाँ पर ऑफिशियली आप लोगों को बता ही दिया है कि प्रमोशन आपको दिया जाने वाला है। अब आप लोग किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वो भी मेंशन करें, नीचे ये भी बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी में पिछले साल प्रमोशन दिया गया था या फिर नहीं दिया गया था। और कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको भी नीचे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। वहाँ पर आपको सभी तरह के नोटिस, सभी आर्टिकल, सभी PDFs वहाँ पर आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसका नाम है फिलो ऐप। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट में आपको डाउट आ रहा हो, बोर्ड के क्वेश्चन हो या फिर हो जेई नीट के, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको पढ़ाई में आ रही है, जिसका सबका सॉल्यूशन है सिर्फ फिलो ऐप। आपको 24/7 अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने का मौका मिलता है, बस इन 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले आप लोगों को इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, जिसका फोटो क्लिक करें या फिर उसको टाइप करके आप लोगों को यहां पर अपलोड कर देना है। अपलोड होने के
60 सेकंड के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पर इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ पर से लाइव कनेक्ट करा देगा। आप अपने डाउट को यहाँ पर क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रीमियम कोर्स यहाँ पर परचेज करना है तो आप हमारा जो कोड है EAD001 इसको लगा सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही ऐप है, जिसका नाम है फिलो ऐप। आप लोगों को जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।